अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष की कहानी 495 साल पुरानी है। राम मंदिर के निर्माण में कई लोगों ने अपना योगदान दिया। एक ऐसे ही योगदान देने वाले शख्स का नाम है केके नायर। केके नायर वो शख्स जिन्होंने राम मंदिर के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का विरोध झेला। केरल के अलप्पे के रहने वाले केके नायर 1930 बैच के ICS अफसर थे, फैजाबाद के DM रहते। इन्हीं के कार्यकाल में ढांचे में मूर्तियां रखी गई थी। दावा यह भी किया जाता है कि इन्होंने ही रखवाई थी। इनके ही कार्यकाल में राम मंदिर आंदोलन को लेकर बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में प्रकट हुई या स्थापित हुई, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से फौरन मूर्तियां हटवाने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटवाने का आदेश दे दिया, लेकिन DM केके नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। जब नेहरू ने दोबारा मूर्तियां हटाने को कहा, तो नायर ने सरकार को लिख दिया कि मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटा दिया जाए। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार पीछे हटी और DM नायर ने 1952 में VRS ले लिया, नौकरी छोड़ दी। वो उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। इस इलाके में नायर हिंदुत्व के इतने बड़े प्रतीक बन गए कि उनकी पत्नी शकुंतला नायर पहली बार 1952 में सांसद बनी, उसके बाद विधायक भी रहीं और फिर कैसरगंज से 3 बार जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुंची। 1967 के चुनाव में कैसरगंज से ही शकुंतला नायर और बहराइच से उनके पति केके नायर दोनों एक साथ सांसद बने। तो उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी तक राज्य की सभी सरकारी बसों में रामधुन बजेगी। UP सरकार के परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार का यह फैसला है कि पूरे प्रदेश का माहौल राममय हो, और इसलिए बसों में प्रभु राम के भजन बजेंगे। साथ ही ये भी तय किया गया है UP की सभी बसों में एंटी स्लीप डिवाइस भी लगेगी, ताकि ड्राइवर को नींद आते ही 5 सेकंड के अंदर अलार्म बजने लगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से पूरे देश का माहौल राममय हो गया है। हर तरफ राम की बात हो रही है, हर तरफ राम भक्ति का वातावरण है, और इसी के साथ योगी सरकार ने एक और तैयारी की है। दरअसल योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 22 जनवरी प्रदेश की सभी रोडवेज बसों में रामधुन यानी कि भगवान राम के भजन बजेंगे। बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए रामधुन बजेंगी। फायदा तो रहेगा उससे, नहीं रहेगा क्या? फायदा रहना चाहिए इससे सबको, लेडीज का भी फायदा रहेगा, सबका रहेगा, सुरक्षित रहेगा हर चीज का। राम धुन बजने से सभी को बहुत खुशी होगी, हमें भी बहुत खुशी होगी, यात्रियों की भी बहुत खुशी होगी राम धुन बजने पर। सुरक्षा तो वैसे ही सारी रहती है सर हम लोगों की, लेकिन फिर भी और जब लग जाएगा व्यवस्था उससे और सुरक्षा होगी। योगी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश की जनता किसी न किसी तरह से अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ सके, और इसीलिए यह आदेश जारी किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार राममय माहौल बनाने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की परिवहन बसों में राम भजन बजाने की तैयारी चल रही है। बाकायदा इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि बस के ड्राइवर से लेकर यात्री बेहद खुश है कि उनको बसों में भजन सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही यूपी के परिवहन विभाग ने यूपी की सभी बसों में एंटी स्लिप डिवाइस लगाने की तैयारी की है। यूपी की बसों में सफर को और सुरक्षित बनाने की तैयारी है। एक डिवाइस की कीमत करीब 14,000 रूपए है। फिलहाल 10 बसों में ये डिवाइस लगाई गई है, ताकि ड्राइवर को नींद आने की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सके। हम लोगों ने ये किया है कि परिवहन निगम की सभी बसें सड़क पे रहेंगी, बसें साफ सुथरी होंगी। ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी वर्दी में रहेंगे, किसी भी प्रकार के कहीं पर भी, वैसे तो हमेशा से ये निर्देश रहे, किसी प्रकार के कोई नशा का सेवन नहीं करेगा, यात्रियों के साथ कहीं पर कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, यानी सभी लोगों को ऐसा फील हो कि वो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े भव्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए हैं, तो परिवहन निगम भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहा है।
यूपी में जनता के लिए सुरक्षित सफर और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा तक भक्ति भाव का माहौल बनाने के लिए यूपी सरकार के परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।